नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है, तो वैसे ही एक और नए वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि हमारा जो स्टेल्थ यूसीएबी प्रोग्राम के अंडर में स्विफ्ट यूसीएबी को बनाया गया, उसका टेस्टिंग शुरू हुआ है। कौन सा टेस्टिंग? तो हाई, लो और मीडियम स्पीड का टैक्सी टेस्टिंग। टैक्सी टेस्टिंग का मतलब है यूएबी को फ्लाई ना करा के ग्राउंड में ही उसका टेस्ट चलाना। इसके बाद आज फिर से एडीई ये कन्फर्म किया है कि स्विफ्ट यूसीएबी में इंटीग्रेट किया जाएगा बॉम्ब्स, और हार्ड पॉइंट्स को लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। आप लोग बोलेंगे ये तो कॉमन सी बात है, यूसीएबी में हार्ड पॉइंट्स तो लगेगा ही। तो आपको बता दे, ये स्विफ्ट यूसीएबी को कोई कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर डेवलप्ड नहीं किया गया था। इसको सिर्फ हमारा जो ऑरा यूसीएबी बन रहा है उसका सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पे ही बनाया गया है। यानी एडीई इसको बना के जो एक्सपीरियंस हासिल करेगा उसी को यूज़ करेगा जो हमारा स्टेल्थ बॉम्बर यूसीएबी बन रहा है ऑरा, उसमें। अगर आपको पता ही होगा कि चाइना लद्दाख से सटे बॉर्डर के पास अपना H-20 बॉम्बर का टेस्ट चला रहा है और उसे डिप्लॉय भी कर रखा है, और अभी के टाइम में इंडिया के पास कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मौजूद ही नहीं है। अभी सिर्फ हम इनको बना ही रहे हैं, चाहे वो AMCA की बात करें या फिर ऑरा की। तो इंडिया अपने इस ज़रूरत को समझ कर स्विफ्ट को ही कॉम्बैट यूसीएबी के तौर पर यूज़ करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये स्टेल्दी भी है और इसका आकार काफ़ी छोटा होने के कारण ये शत्रु के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकता है। इसको इंडिया मेनली यूज़ करेगा सर्वेलांस के लिए। इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो ये एक बेहद ही छोटा और हल्का यूसीएबी है। इसका टोटल वेट है 1.05 टन, विंग स्पैन 5 मीटर, लेंथ 4 मीटर, पेलोड कैपेसिटी 3000 किलोग्राम और रेंज 200 किलोमीटर। ये यूसीएबी मैक्सिमम 6000 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। ये आकार में इतना छोटा होने के कारण इसमें इंटरनल हार्ड पॉइंट्स को इंटीग्रेट किया जाना नामुमकिन है, इसीलिए इसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स ही लगाया जाएगा। और बात करें इसमें कौन सा मिसाइल यूज होगा, तो इसमें एयर लॉन्च ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले ही बोला, इसको मेनली यूज़ किया जाएगा सर्वेलांस के लिए, तो इसी कारण इसमें लगाया जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी के साथ इसमें इंटीग्रेट किया गया है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और हाई डेफिनेशन कैमरा। ये यूज़ करता है C-band UHF कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें इंजन यूज़ होता है NPO Saturn 36 MT टर्बोफैन इंजन, जिसे रिप्लेस करेगा स्वदेशी तौर पर विकसित कावेरी इंजन। इसी के साथ इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। जब भी इसके ऊपर और कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।